आज हम आप लोग को मियासिस के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपको सेल साइकिल के बारे में बता चुके हैं। अगर मियासिस को देखा जाए तो मियासिस क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अर्धसूत्री विभाजन। मियासिस में क्या होता है, मियासिस में होता यह है कि इसमें एक पैरेंटल सेल से चार डॉटर सेल बनती है। एक पैरेंटल सेल से कितनी डॉटर सेल बनेगी, चार बनेगी डॉटर सेल, और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या पैरेंटल की तुलना में आधा हो जाएगा। देखिए ये पैरेंटल सेल है, ठीक है, यहां अगर ये क्रोमोसोम नंबर यहां 2n था तो यहां पे क्या हो जाएगा n, और यहां क्या हो जाएगा n। तो मियासिस क्या होता है, मियासिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्या होगा कि पैरेंटल सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या थी वो क्या हो जाती है, डॉटर सेल में आधी हो जाती है। और मियासिस में क्या होगा, एक सेल से चार डॉटर सेल का निर्माण होगा, एक पैरेंटल सेल से चार डॉटर सेल का निर्माण होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मियासिस में अगर मान ले यहां पे क्रोमोसोम की संख्या यहां थे 12, तो ये क्रोमोसोम यहां कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और यहां पे भी क्या हो जाएंगे, 6 रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मियासिस को दो भागों में बांट सकते हैं, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकेंड। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं मियासिस फर्स्ट, या इसी को कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन, या इसी को कहते हैं हेटरोटिपिक डिवीजन। और ये वाला जो पार्ट होता है, नीचे का हाफ पार्ट होगा, वो कहलाएगा मियासिस सेकेंड, या इसी को कहेंगे होमोटिपिक डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह आप मियासिस को देखें, समझे कि मियासिस में क्या होता है कि एक पैरेंटल सेल से चार डॉटर सेल बनती हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या पैरेंटल सेल की तुलना में डॉटर सेल में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मियासिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मियासिस को दो भागों में बांट सकते हैं, मियासिस फर्स्ट मियासिस सेकेंड। फर्स्ट आधे पार्ट को कहेंगे मियासिस फर्स्ट, या रिडक्शनल डिवीजन, या कहते हैं हेटरोटिपिक डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहां क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है डॉटर सेल में। हेटरोटिपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या पैरेंटल और डॉटर सेल में भिन्न भिन्न होती है। मियासिस सेकंड जो होता है ये सिमिलर होता है माइटोसिस के, ठीक है। और यहां पे देखते हैं पैरेंटल सेल और डॉटर सेल अगर देखें तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, होमोटिपिक डिवीजन, ठीक है। दूसरा चीज अगर देखते हैं, मियासिस जो टर्म था वो सर्वप्रथम फार्मर और मूरे ने दिया। टर्म किसने दिया, फार्मर मूरे ने दिया, ठीक है ना। और मियासिस को अगर हम देखें तो इस अब हम इसका डिटेल कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह अगर यहीं पे समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, अब इसका हम डिटेल कर रहे हैं, इसको देखते हैं। यदि हम मियासिस के लिए वो स्टडी करते हैं तो मटेरियल जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एंथर को, ठीक है, पालेंग्रेन को। पालेंग्रेन में क्या होगा, एंथर में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ठीक है, या पालेंग्रेन मदर सेल होगी, वहां से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मियासिस जो कंप्लीट होगा दो स्टेप में, पहला स्टेप होता है इसका मियासिस फर्स्ट, मियासिस फर्स्ट, ठीक है। मियासिस फर्स्ट जो होता है वो कंप्लीट होगा चार स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और चौथा होगा
टीलो फेज फर्स्ट, ठीक है। तो मियासिस फर्स्ट को हम क्या करते हैं, चार भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में कि मियासिस फर्स्ट का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, या मियासिस का, चाहे फर्स्ट देख लें चाहे सेकंड, दोनों को मिलाकर देखें, मियासिस का सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज होता है कौन सा होता है, प्रोफेज फर्स्ट। क्योंकि मियासिस फर्स्ट को भी कई सब फेज में बांटते हैं, जैसे लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन और लास्ट है डायकाइनेसिस, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट को पांच सब फेज में बांट दिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। अब हम एक एक स्टेज लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन, या यहीं से देखते हैं, इसके लिए ज्यादा जगह चाहिए। लेप्टो लेप्टोटीन जो स्टेज होती है इसको लेप्टोनिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेप्टोनिमा। और लेप्टोनिमा दो सबसे मिलकर बना है, लेप्टो मतलब होता है थिन और निमा मतलब होता है थ्रेड लाइक। तो इस तरह देखते हैं लेप्टोटीन जो होता है दो सबसे बना है, लेप्टोनिमा, ठीक है। लेप्टोटीन को क्या कहते हैं? लेप्टोनिमा। ये दो सबसे बना है, लेप्टो स्कल टू थिन और निमा स्कल टू थ्रेड लाइक। इसका मतलब यह हुआ कि लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो थिन थ्रेड लाइक होते हैं, थोड़ा और बड़ा रखते हैं फिगर और क्लियर रहेगा। ये इंटरफेज है, इंटरफेज में ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन है, ठीक है। क्रोमैटिन क्या करेगा? इसका कंडेंसेशन होगा, इंटरफेज में क्रोमैटिन का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। इसके बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें? क्रोमोसोम में। ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो कैसे है? थ्रेड लाइक है और एक पोल से दूसरे पोल तक फैले हुए हैं, ठीक है। लेप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम होगा थिन होगा, थ्रेड होगा और एक पोल से दूसरे पोल तक फैला होगा, ठीक है। और ये अपियर होगा जैसे बकेट लाइक,
ठीक है, इसलिए इसको बकेट स्टेज भी कहते हैं। ठीक, लेप्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज जो आएगा वो होगा जाइगोटीन। दूसरा स्टेज आएगा जाइगोटीन। यही हम दिखा देते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन भी को भी हम क्या कहते हैं, जाइगोनिमा। ठीक है, और जाइगो मतलब होगा पेयरिंग, जाइगो मतलब क्या होगा, पेयरिंग। तो जाइगोटीन स्टेज में हम देखते हैं जो हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटर्नल क्रोमोसोम है, वो आपस में पेयरिंग करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं, चलिए तो यहां देख रहे हैं कि यहां पे क्या होता है कि पैरेंटल और मैटरनल, ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल या पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम का क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो जाइगोटीन स्टेज वह स्टेज होता है जिसमें दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन स्टेज में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम या कह सकते हैं पैटर्नल मैटर्नल क्रोमोसोम पास पास आते हैं और पेयरिंग करते हैं। इस पेयरिंग को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। इस पेयरिंग को क्या कहेंगे, सिनेप्सिस। ठीक है, दो क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करेंगे इसको क्या कहेंगे, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस जब होगा, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे, तो सिनेप्सिस के समय इसके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये बीच में क्या हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जाइगोटीन स्टेज में देखते हैं, जाइगोटीन स्टेज में पैटर्नल मैटर्नल क्रोमोसोम या दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं और आपस में पेयरिंग करते हैं। इस पेयरिंग करने को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के फलस्वरूप दोनों क्रोमोसोम के बीच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब यहां बात आती है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम जो शेप, साइज और पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, जिसकी पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर समान हो, शेप समान हो, साइज समान हो, ऐसे दो समान क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो दो समान क्रोमोसोम जो अपने साइज में, थिकनेस में, ठीक है, और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर दोनों की समान हो, ऐसे क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो सिनेप्सिस के समय दो क्रोमोसोम पास पास आए, इस इन दो जो क्रोमोसोम पास पास आ रहा है, इस फिनोमिना को कहते हैं, दो क्रोमोसोम के पास पास आने को वाई वैलेंट। किसका निर्माण हो रहा है, वाई वैलेंट का। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें कंपटीशन में पूछा जाता है कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है प्रोफेज के, तो किस स्टेज में हो गया, जाइगोटीन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिनेप्सिस के समय। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम का निर्माण किस स्टेज में हो रहा, जाइगोटीन स्टेज में। अब जाइगोटीन स्टेज के बाद हम जो अगली स्टेज आती है उसके बारे में बताते हैं। जाइगोटीन के बाद अगला हो गया पैचिटिन, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, अगला स्टेज क्या है, पैचिटिन।
ये हो गया पैचिटी स्टेज। पैचिटी स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा क्रोमैटिड में, ठीक है। पैचिटी स्टेज में क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्रोमोसोम ब्रेक हो जाएगा किसमें, क्रोमैटिड में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम में जब क्रोमोसोम इस समान रहे, ठीक है, जब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है तो इसे कहते हैं मोनाड। क्या कहेंगे, मोनाड। और जब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हो जाए, ये डिवाइड हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा था कंडीशन में मोनाड और डायड क्या होते हैं। जब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड पाया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, मोनाड। और जब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाया जाए तो क्या होगा, डायड। तो यहां पे हम देखते हैं पैचिटिन स्टेज में डायड का फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होगा, डायड का, ठीक है। पैचिटिन स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे क्रोमैटिड्स में, ठीक है। दूसरा चीज है कि पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर। पैचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो हो रही है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस स्टेज में होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहां हो रही है, पैचिटिन स्टेज में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर फिर पूछा था क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटर्नल क्रोमोसोम है, या कह सकते हैं ये पैटर्नल है ये मैटर्नल है। तो क्या होता है, क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है क्रोमेटिड्स में, और दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और यहां इसको देख लें, यहां समझ लीजिए थोड़ा सा, ये दोनों आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, लेकिन इनकी जब तुलना करेंगे, इसका क्रोमेटिड लेंगे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहां क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा था है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसके बीच होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किसके बीच हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच हो रहा है, एक पैटर्नल है एक मैटर्नल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम भाग लेता है, उस एंजाइम को कहते हैं रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में कौन सा एंजाइम भाग गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम दो एंजाइम से मिलकर बना है, एक है लाइगेज और दूसरा है इसमें न्यूक्लियर एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, या एंडोन्यूक्लियस कह दीजिए, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस ही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक लाइगेस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम जो भाग लिया, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। और रिकॉम्बिनेज दो एंजाइम से बना है, लाइगेस और एंडोन्यूक्लियस। तो ये स्टेज हो गया पैचिटिन। पैचिटिन स्टेज क्या है, पैचिटिन वो स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, और इस क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम जो चाहिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से मिलकर बना है, ठीक है। पैचिटिन स्टेज को भी पैची निमा कहते हैं, पैची मतलब होता है थिक और निमा मतलब थ्रेड। यहां क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं। अब पैचिटिन स्टेज के बाद जो अगला स्टेज आएगा वो क्या है, डिप्लोटिन स्टेज।
अगला जो स्टेज आएगा ट्रिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में देखिए क्या हो रहा डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, अब क्रोमोसोम देखिए जो पास पास से हाथ क्रोमेटिड आपस में लपेटे हुए थे वो क्या हो रहा है, अब सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का सेपरेशन शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, यहां भी दिखाई पड़ता है लेकिन ये विजिबल कहां होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, तो यहां पर कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है, तो डिप्लोटीन स्टेज में देखते हैं कि कैजमेटा जो विजिबल कैजमेटा कहते हैं इसको फॉर्मेशन ना कहे, फॉर्मेशन तो यहां पे हो गया, कैजमेटा यहां पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो डिप्लोटीन स्टेज वह स्टेज होता है इसमें क्रोमोसोम का सेपरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो, सेपरेशन जो क्रोमोसोम का होगा क्या कहलाएगा, टर्मिनलाइजेशन। तो यहां टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट यहां है, यहां पर एक चीज है कि डिप्लोटीन स्टेज में एक क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा क्रोमेटिड सेल्स बीच, उस क्रॉस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, कैजमेटा। क्रॉस स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई है। तो कैजमेटा का फॉर्मेशन तो डिप्लोटीन स्टेज में हो जाता है लेकिन विजिबल किसमें होता है, कैजमेटा का फॉर्मेशन पैच्यूटीन स्टेज में हो रहा है लेकिन विजिबल किसमें होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज जो होता है ये प्रोफेज फर्स्ट का शॉर्टेस्ट फेज होता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट का शॉर्टेस्ट फेज होता है डिप्लोटीन और लार्जेस्ट फेज लेप्टोटीन। ठीक, फर्स्ट का। अब डिप्लोटीन स्टेज के बाद अगला जो स्टेज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डायगेनेसिस। ये स्टेज कहलाएगा डायगेनेसिस। डायगेनेसिस क्या होता है, डायगेनेसिस ये लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का। डायगेनेसिस में क्या होगा, कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का। जब क्रोमोसोम का कंप्लीट सेपरेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन क्रोमोसोम का हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या, क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाएगा। और यहां दो तरह के क्रोमेटिड बनते हैं, एक क्रोमेटिड को कहते हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड। और दूसरा जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, देखिए
यहां पे दिखा रहा है, इसको क्या कहेंगे, क्रॉसओवर कोवेटेड। तो डायगेनेसिस में दो तरह के क्रोमेटिड बनते हैं, एक होता है नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड, दूसरा होता है क्रॉसओवर क्रोमेटिड। नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड वह क्रोमेटिड होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है, और क्रॉसओवर क्रोमेटिड वह होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई रहती है। ठीक है, तो डायगेनेसिस में इसके बाद क्या होगा, यहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, कंप्लीट डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियस तो दिखाना भूल गए थे, ये कंप्लीट डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियरेंस इनका शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो डायगेनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, स्पेंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पे दो तरह के क्रोमोसोम क्रोमेटिड बनेंगे, एक क्रॉसओवर क्रोमेटिड, दूसरा नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड, दूसरा क्रॉसओवर क्रोमेटिड। अब डायगेनेसिस के बाद हम आते हैं मेटाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट देखिए, ये हो गया सेंट्रियोल, ये हो गया एस्टररे, और ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये बीच में, सेंट्रियोल ये हो गया, एस्टररे ये हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन, और ये हो गया स्पिंडल फाइबर। और इस स्टेज को कहेंगे मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। तो मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहां इकट्ठा हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है। मेटाफेज स्टेज वह स्टेज होगा जहां पे क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे इकट्ठा हो जाएंगे। क्रोमोसोम का इक्वेटोरियल प्लेन पे इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेशन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्ग्रेशन की क्रिया कहां होती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेशन कहां होता है, मेटाफेज फर्स्ट में। कॉन्ग्रेशन क्या हुआ, क्रोमोसोम का इक्वेटोरियल प्लेन पे इकट्ठा होना ही क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेशन, ठीक है। दूसरा चीज है कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, शॉर्टर और थिकर हो जाते हैं, ठीक है, पहले की तुलना में ज्यादा शॉर्टर और थिकर हो जाएंगे। तीसरा चीज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कंप्लीट डिसअपियर हो जाएंगे और स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेटाफेज के बाद अगला जो स्टेज आएगा वो होगा एनाफेज फर्स्ट, सेंट्रियोल हो गया,
एस्टर हो गया, यीस्ट कहलाएगा एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, और ये बीच में क्या था, इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। एनाफेज स्टेज जो होता है उसमें क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में यहां क्रोमोजोम जो है, ठीक है ना, सॉरी यहां दो क्रोमोजोम दिखाए हैं, तो यहां पे फिगर गलत हो रहा है, हमें यहां पे एक ही दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है, शॉर्ट ठीक है, इस तरह ना बनाए जिस तरह पहले बना है, फिगर उसी तरह रखें। मेटाफेज में क्रोमोसोम क्या थे, सार्टर और थीकर थे। ठीक है, तो एनाफेज में हम देखते हैं क्या होता है, हा इसमें कुछ क्रोम, जैसे दो क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ पुश हो गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ आ गया, ठीक है ना। यहां देखते हैं दो क्रोमोसोम थे, तो दो क्रोमोसोम में क्या हुआ, या चार क्रोमोसोम है तो क्या होंगे, क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ जाएंगे, ठीक है, या कभी कभी होता है आधे नहीं बढ़ते हैं, तो आधे नहीं बटेंगे तो एन्युप्लॉयडी होगी, ठीक है, वो तो आगे बताया गया पॉलीप्लॉयडी के वीडियो में, वहां देखिएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि जब क्रोमोसोम दो है तो एनाफेज में क्या होता है कि हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ, ठीक है, हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम की तरफ। तो ये प्रोसेस जो है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल का नियम है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो पूछता है इस पे भी क्वेश्चन है कि कौन सा फेज मियासिस का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एनाफेज फर्स्ट फॉलो करता है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ, ठीक है। अगर 10 क्रोमोसोम है तो 5 एक तरफ चले जाएंगे, 5 दूसरे तरफ, ठीक है। अगर ये संख्या घटती बढ़ती है तो एनोप्लाइडी होती है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एनाफेज फर्स्ट हो गया, एनाफेज फर्स्ट के बाद अगला जो आता है टेलोफेज फर्स्ट, इसको एक सेल के अंदर दिखा देते हैं, दो सेल बन गई, एक सेल आ गया, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गया, एक क्रोमोसोम यहां आ गया, एक यहां आ गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। यहां सेल को दिखा रहे हैं, वहां नहीं दिखाए थे, यहां भी दिखा सकते हैं अगर ऐसे कर दे, तो किसी सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या आ गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टेलोफेज फर्स्ट जो होता है, टेलोफेज फर्स्ट जो होता है ये प्रोफेज फर्स्ट का जस्ट उल्टा है, रिवर्स है, क्यों रिवर्स है, क्योंकि टेलोफेज में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन,
जो डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वो प्रोफेज फर्स्ट में डिसअपियर हुए थे, लेकिन टेलोफेज जस्ट उसका रिवर्स है, प्रोफेज फर्स्ट का रिवर्स है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे कैरियोकाइंसिस हो गया। कैरियोकाइंसिस क्या होता है कि एक न्यूक्लियस दो भागों में, ये जो न्यूक्लियर था ये दो भागों में बट गया, ठीक है। अब यहाँ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, साइटोकाइंसिस। तो टेलोफेज फर्स्ट के बाद ये मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मियासिस फर्स्ट के बाद अगला जो स्टेज आएगा वो आएगा मियासिस सेकंड। तो देखा यह गया है मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड के बीच कुछ टाइम इंटरवल होता है, जो टाइम इंटरवल होता है मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड के बीच उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, टाइम इंटरवल जो होगा मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड के बीच उसको क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं मियासिस सेकंड को। मियासिस सेकंड में भी होगा प्रोफेज, यहां कैरियोकाइंसिस हो गया, अब साइटोकाइंसिस करा देते हैं। साइटोकाइंसिस करा देंगे तो क्या होगा, दो सेल बन जाएगी, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, दो सेल बन गया, ठीक। अब यहां से शुरू हो जाएगा, अब इसका इन दोनों सेल का क्या होगा, मियासिस सेकंड। अब मियासिस सेकंड में फिर वही प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, ये कोई सेल है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना। तो यहां एक दिखाए हैं, एक दिखाने में फिर आगे चलकर दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम इसको दो दिखा लेते हैं, शुरुआत में भी हमें दो दिखा लेना था, ठीक है, दो कर लेते हैं जिसे आसानी से समझ में आ जाए। तो दो क्रोमोसोम यहां दिखा रहे, दो यहां दिखा रहे हैं। अब प्रोफेज फर्स्ट क्या होगा, इसके अंदर सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा, डिसअपियर होगा, ठीक है। या इसको इस तरह कर सकते हैं कि प्रोफेज क्या कहते हैं, जो सेकंड होगा यहां करते हैं प्रोफेज सेकंड, और यहां भी कर देते हैं प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्रोमैटिन चेंज हुआ किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। यहां भी दिखाते हैं, क्रोमैटिन चेंज हुआ क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम एक पोल से दूसरे पोल तक फैले हुए हैं। प्रोफेज के बाद अगला आएगा मेटाफेज, जस्ट माइटोसिस के समान है पूरा। अब मेटाफेज में क्या होगा, हम सेल को नहीं दिखा रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं इसी को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहां न्यूक्लियस था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और क्रोमोसोम जो है वो कहां अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पर। क्रोमोसोम सॉर्टेड थिकर हो गए और अरेंज हो गए कहां, इक्वेटोरियल प्लेन पर। ये हो गया मेटा फेज सेकंड, ऐसे यहां भी दिखा दें, क्रोमोसोम सॉर्टर और थिकर,
यहां सेंट्रोमियर है बीच में और अरेंज हो गए कहा इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये भी मेटाफेस है। अब मेटाफेस सेकंड के बाद जो अगला स्टेज आएगा वो आएगा आपका एनाफेस सेकंड। ये हो गया एनाफेज सेकंड। ऐसे यहां भी देखते हैं एनाफेज सेकंड। ठीक है, एनाफेज सेकंड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्वेश्चन इस पे आता है एनाफेज सेकंड का। एनाफेज सेकंड क्या होता है, एनाफेज सेकंड वो स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम दोनों इस पोल से भी खींचे जाते हैं और खींचने के बाद ये टूट जाते हैं क्रोमेटिड में, हाफ क्रोमेटिड एक पोल की तरफ, हाफ क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, ठीक है ना। तो क्रोमो एनाफेज सेकंड में क्या होगा, यह एनाफेज सेकंड वह स्टेज होता है जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा और सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा तो क्या होगा, हाफ क्रोमेटिड एक पोल की तरफ और हाफ क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब एनाफेज के बाद अगला जो स्टेज आएगा वो क्या आएगा, टीलोफेज। टीलोफेज में फिर वही दिखा सकते हैं, ये सेल हो गई और यहां भी दिखा दें, टीलोफेज सेकंड ये भी हो गई टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड में क्या होगा, फिर हाफ ये एक पोल पे क्रोमेटिड गया, हाफ दूसरे पोल पे क्रोमेटिड गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, कैरियोकाइंसिस होगा, कैरियोकाइंसिस के फलस्वरूप इसमें क्या होगा, दो क्रोमोसोम ऊपर आए दो यहां आ गए, ऐसे इसमें भी दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक। दो यहां आ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस हो गया और यहां भी क्रोमोसोम हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिड यहां आ गए, ये क्रोमेटिड यहां आ गए, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। तो ये स्टेज हो गया टीलोफेज सेकंड। तो इस तरह हम देखें मियासिस फर्स्ट को और मियासिस सेकंड को। अब बात आती है कि मियासिस फर्स्ट को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और मियासिस सेकंड को क्या कहते हैं, समान है माइटोसिस के या इक्वेशनल डिवीजन। कभी कभी देखा यह जाता है, ठीक है ना, कि यहां पे क्या हुआ, मियासिस में एक रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है और एक इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। कभी कभी देखा जाता है कुछ फॉर्मिज्म में दो रिडक्शनल डिवीजन होते हैं और एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, जब दो रिडक्शनल डिवीजन हो प्लस एक इक्वेशनल डिवीजन हो, तो इस तरह के माइटासिस को, सॉरी इस तरह के मियासिस को ब्रैकी मियासिस कहते हैं। नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रैकी मियासिस क्या होता है, जब
दो रिडक्शनल डिवीजन और एक इक्वेशनल डिवीजन होते हैं, तो इस तरह का डिवीजन को क्या कहते हैं? ब्रैकीमियासिस। ब्रैकीमियासिस जनरली पाया जाता है ईस्ट में, सॉरी एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज फंजाई में, फंजाई में पाया जाएगा, फंजाई में कौन से? एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मियासिस को। टाइप्स ऑफ मियासिस, मियासिस तीन प्रकार का होता है, ठीक है, जायगोटिक या इनिशियल मियासिस, स्पोरिक या इंटरमीडिएट मियासिस, और तीसरा होता है गैमेटिक या टर्मिनल मियासिस। मियासिस तीन प्रकार का हो गया, जायगोटिक या इनिशियल मियासिस। जायगोटिक या इनिशियल मियासिस क्या होता है? ऐसा मियासिस जो जायगोट में होता है उसे क्या कहते हैं? जायगोटिक या इनिशियल मियासिस। ये जनरली पाया जाता है किसमें? थैलोफाइट्स में। और मियासिस कब होगा? जायगोट फॉर्मेशन के समय। दूसरा आता है स्पोरिक मियासिस है इंटरमीडिएट मियासिस। स्पोरिक मियासिस क्या होता है? स्पोर के फॉर्मेशन के समय जो मियासिस होता है उसे क्या कहेंगे? स्पोरिक मियासिस। ये जनरली थैलोफाइट्स को छोड़कर जितने भी प्लांट्स हैं सब में पाया जाता है स्पोर फॉर्मेशन के समय, ठीक है, जहां भी स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है सभी प्लांट में पाया जाएगा। अगला आता है गैमेटिक मियासिस या टर्मिनल मियासिस। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो मियासिस होता है उसे क्या कहते हैं? गैमेटिक मियासिस। ये जनरली एनिमल्स में पाया जाता है। तो इस तरह आज हम मियासिस का के बारे में पूरा बताएं कि मियासिस क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, मियासिस फर्स्ट क्या है, मियासिस सेकंड क्या है, रिडक्शनल डिवीजन किसे कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन किसे कहेंगे, डिटेल किए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स को भी लिखिए, ठीक है, धन्यवाद।